Last day we have discussed about the mitosis. We will repeat the same process today. तो माइटोसिस मैंने आप लोगों को बताया था सेल डिवीजन होती है दो तरह की सेल डिवीजन होती है माइटोसिस एंड मियोसिस जर्म सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसको मियोसिस बोलते हैं सोमेटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन होते हैं उसे माइटोसिस बोलते हैं लेकिन माइटोसिस जो है वो जर्म सेल्स के सॉरी सोमेटिक सेल्स के अलावा जर्म सेल्स में भी थोड़ी बहुत जो है माइटोसिस का प्रोसेस होता है सो so, माइटोसिस को हम लोग अनदर नेम से जानते हैं इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल देते हैं या फिर इसको हम लोग सोमेटिक सेल डिवीजन बोल देते हैं क्योंकि मेजर जो माइटोसिस होती है वो हो हैपन होती है हमारे सोमैटिक सेल्स में तो सोमेटिक सेल्स मैंने आप लोगों को बताया हमारे बॉडी सेल्स जैसे क्या है कि मेरी स्किन के सेल्स हैं मेरे किसी ऑर्गन के सेल्स हैं मेरे आईज के सेल हैं मेरे हेयर के सेल हैं दे ऑल आर द दोमैटिक सेल और जो मेरे जर्म सेल्स रहेंगे मेरे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रहेंगे उनको हम लोग क्या बोल देते हैं जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स बोल देते हैं हम लोग सो so, माइटोसिस वगैरह जो है ये प्रोसेस माइटोसिस या मियोसिस की जरूरत बॉडी में क्यों पड़ती है क्योंकि क्या है कि जब भी भी कभी बॉडी में पुराने सेल डैमेज हो जाते हैं फॉर एग्जांपल के आप लोगों की स्किन बर्न हो गई स्किन uh, बर्न होने के बाद वहाँ पे कुछ जख्म हो गया है जहाँ वैसे ही कहीं चोट लग गई इंजरी हो गई वहाँ पे जख्म हुआ है तो जब जख्म भरता है तो जो डैमेज हुए टिश्यू है या जो डैमेज हुए सेल्स हैं उनकी जगह पे नए सेल आ जाते हैं सो so, जो माइटोसिस का फिर फ़ायदा क्या है सेल डिवीजन का फ़ायदा क्या है जो डैमेज हुए सेल्स हैं उनको उनकी पूर्ति करने के लिए कि अगर मेरे टेन सेल्स डैमेज हुए हैं तो माइटोसिस के थ्रू जो है नए टेन सेल्स बन जाएंगे ताकि उस एरिया में हीलिंग हो सके और वो मेरा एरिया फिर से नॉर्मल हो सके तो बोल सकते हो कि रीजेनरेशन में माइटोसिस हेल्प करती है इसके अलावा अगर जर्म सेल्स की बात करें तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक जो हेरिडिटरी मटेरियल जो है उसका ट्रांसफ़र होना होता है वो भी इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू होता है माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है ताकि जो पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सके इस, इसका फ़ायदा क्या है कि क्यों जेनेटिक मटीरियल की कॉपी होती है फिर वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है इसका फ़ायदा है कि एक स्पीशीज में इक्वेलिटी बनी रहती है सो so, सेम ही जो करैक्टर है एक स्पीशीज में चल चलते रहते हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आती ठीक है माइनर कुछ uh, होनी हो चेंजेस तो दैट विल हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन बट बड़े लेवल की कोई इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आती है सो so, माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग होता क्या है एक जो पेरेंट सेल होता है उसकी डिवीजन होके दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं सो पेरेंट सेल जो है वो बिल्कुल डॉटर सेल्स के सिमिलर होता है क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली सो क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली मैंने आप लोग को समझाया था कि दोनों का साइज सेम होगा और दोनों के अंदर कंटेंट्स जो है दैट विल बी सिमिलर कितना अमाउंट है दैट विल आल्सो बी सिमिलर एग्जांपल मैंने दी थी कि पैरेंट सेल के अंदर अगर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी 23 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के रहेंगे तो ये क्या हो गया क्वालिटेट क्वांटिटेटिवली हो गया कि दोनों में क्वांटिटी भी सेम है और साइज उनकी क्वालिटी भी सेम है ओके यस मैम यस तो जो हमारा माइटोसिस का प्रोसेस है इट इज़ हैपनिंग इन साइड द सोमैटिक सेल्स एज वेल एज इन सम जर्म सेल्स ऑल्सो माइटोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए थर्टी मिनट से लेकर के थ्री आवर्स तक का टाइम जो है लग जाता है कंप्लीशन के लिए मतलब क्या है एक डॉटर सेल सॉरी एक पेरेंट सेल अगर दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा वो थर्टी मिनट से लेकर थ्री आवर के टाइम के, के बीच बीच कंप्लीट हो जाएगा सो so, टाइमिंग जो है हर एक सेल की टाइप के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकती है माइटोसिस की सॉरी <coughs> सेल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है सेल की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है सो इट वुड बी डिफरेंट इसके बाद माइटोसिस का मैकेनिज्म है मैकेनिज्म क्या है कि हाउ माइटोसिस इज हैपनिंग? एग्जैक्टली कैसे स्टेप वाइज जो है माइटोसिस हैपन हो रही है तो टोटल दो इसके स्टेप्स हैं कैरियोकाइनेसिस जिसको हम लोग न्यूक्लियर सेल डिवीजन बोल देते हैं और दूसरी इसकी स्टेज है साइटोकाइनेसिस जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन बोल देते हैं ओके यस मैम सो so, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी एंड जो भी मैकेनिज्म के स्टेप्स है या फेजेस है दे आर अकरिंग टर्न वाइज तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि पहले मैं साइटोकाइनेसिस एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं कैरियोकाइनेसिस एक्सप्लेन कर दूं मैंने पहले भी आप लोगों को बताया जैसे जैसे आप लोग को स्टेप वाइज समझाया जाता है सो स्टेप्स विल बी लाइक सेम ओनली आप इसको आगे पीछे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो जब कभी भी माइटोसिस होती है सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस से डिवाइड होता है फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस के मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए थे विल टॉक अबाउट द कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर जो है फेजेस होती है सबसे पहले इसकी प्रोफेज होती है प्रोफेज के बाद नेक्स्ट जो फेज है मेटाफेज के बाद एनाफेज एनाफेज के बाद टीलोफेज सो एवरीथिंग इज हैपनिंग स्टेप वाइज अभी जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसकी डिवीजन भी स्टेप बाय स्टेप होती है सबसे पहली जो उसकी फेज है इसको प्रोफेज बोलते हैं जो सबसे लंबी फेज है उसके बाद मेटाफेज फिर एनाफेज और लास्ट में फिर टीलो फेज न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सो so पहले प्रोफेज की बात करते हैं हम लोग प्रोफेज की भी फर्दर थ्री फेजेस हैं। नंबर वन जो इसकी फेज है दैट इज द अर्ली प्रोफेज नंबर टू मिड प्रोफेज एंड नंबर थ्री लेट प्रोफेज सो वट इज हैपनिंग एक्चुअली इन प्रोफेज प्रोफेज का ओवरऑल मैं आप लोग को बता देती हूँ अगर आप लोग एक सिंपल सेल को ऐसे देखो ये सेल है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को ऐसे क्रोमाटिन थ्रेड्स मिलेंगे तो ये जो है नॉर्मल सेल है और इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा सेंट्रियोल्स के साथ है ना उसको अराउंड सेंट्रोसोफियर ने कवर किया हुआ है सो दिस इज द नॉर्मल सेल जो कि पूरी तरह डिवेल्प हो चुका है डिवेल्प होने के बाद अब इसकी डिवीज़न होनी है तो डिवीज़न के ड्यूरिंग क्या होता है जो पहली फेज है प्रोफेज़ है प्रोफेज़ के ड्यूरिंग क्या होता है जितने भी ये न्यूक्लियर मटीरियल है जितना भी ये न्यूक्लियर मटीरियल है इसमें क्या है थ्रेड uh, इसमें न्यूक्लियोलस भी ऐसे प्रेजेंट रहता है साइड पे so सपोज ये का जो है न्यूक्लियोलस मैंने आप लोगों को बता दिया तो इस सेल में क्या होगा कि जो भी ये क्रोमट इन थ्रेड है इनकी कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है कंडेंसेशन का मतलब क्या है कंडेंस होना किसी चीज का गाढ़ा हो जाना तो कंडेंसेशन के ड्यूरिंग क्यों कंडेंसेशन होती है बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाती है सेल के अंदर जो है कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाता है वाटर का डिहाइड्रेशन की वजह से जो ये क्रोमाटेन थ्रेड्स है ये कंडेंस होने लगते हैं ये न्यूक्लियोलस जो येलो कलर का है डिसअपियर होने लगता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगती है और जो ये सेंट्रियोल्स हैं सेंट्रियोल्स में क्या होगा सेंट्रियोल्स में सेंट्रियोल्स का जो ये सेंट्रोसोफियर है सेंट्रोसोफियर डिसपियर हो जाएगा सेंट्रियोल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और ये जो सेपरेट होगी इन सेंट्रियोल्स की एक सेंट्रियोल एक पोल पे रह जाएगा दूसरा सेंट्रियोल उसके ऑपोजिट पोल पे चला जाएगा तो इनके विचकार क्या है माइक्रोटब्यूल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगी माइक्रोटब्यूल्स क्या करेंगी जो स्पिंडल्स की सॉरी माइक्रोटब्यूज क्या करेंगी स्पिंडल्स की फॉर्मेशन करेगी तो ये मैंने नॉर्मल सेल बताया आप लोगों को अब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ कि माइटोसिस के ड्यूरिंग जो प्रोफेज है प्रोफेज के ड्यूरिंग क्या हो जाता है सबसे पहले तो क्या होता है जो ये सेंट्रियोल्स है सेंट्रियोल्स ऐसे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं ओके okay? और इनके इनसे जो है बाहर की तरफ माइक्रोटब्यूल्स निकलती है जिनको हम लोग एस्टर्स बोल देते हैं तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो एस्टर और जो इनसे ऐसे माइक्रोटब्यूल्स बाहर निकल रही हैं इनको एस्ट्रल रेज बोल सकते हो तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे फ्रेगमेंटेड होनी स्टार्ट हो, स्टार्ट हो जाती है टूटना स्टार्ट हो जाती है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और जो क्रोमोजोम्स हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं तो जो क्रोमाटिन थ्रेड्स थे एक्चुअली वो अब क्रोमोजोम की फॉर्म में चले गए तो क्रोमोजोम का मैंने आप लोगों को कल स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसे हम लोग क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ये क्या है इसकी आर्म्स है जिसको सिस्टर क्रोमाटिड्स बोल देते हैं और बीच में क्या है इनका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है ओके okay? yes, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ़ क्रोमोजोम सो प्रोफेज के ड्यूरिंग क्या होता है जो अर्ली प्रोफेज है अर्ली प्रोफेज के ड्यूरिंग तो यही है कि एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी ये एस्टर्स बन जाएंगे इनके बिचकार बनने स्टार्ट हो जाएंगे और जो क्रोमाटिन थ्रेड्स थे उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी डिहाइड्रेशन की वजह से वो कंडेंस होकर क्रोमोजोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे मिड प्रोफेज में क्या होगा क्रोमोजोम और भी ज्यादा थिक होते जाएंगे उनकी कंडेंसेशन और भी जो है बढ़ती जाएगी और जो एस्टर्स हैं वो और भी एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे उसी के साथ साथ न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियोलियर होना स्टार्ट हो जाएगा सो यू कैन से जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सो दिस इज द प्रोफेस उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं मिड so, प्रोफेज में क्या होगा जो ये सेंट्रियोल्स थे बनाए थे सॉरी दे विल गो और भी ज्यादा जो है दूर चले जाएंगे एक दूसरे से तो इनके बिचकार जो है ऐसे माइक्रोटब्यूल्स जो है माइक्रोटब्यूल्स क्या है दे आर द टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे सेल को और सेल की बहुत सारी ऑर्गनेलीज को और बीच में जो न्यूक्लियोलस है वो और भी ज़्यादा डिसअपियर हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है और जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोम्स और भी ज़्यादा कंडेंस हो रहे हैं उनका साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा ओके okay? तो मैंने क्रॉस बना दिया क्योंकि ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है सो दिस इज कॉल्ड मिड प्रोफेज सो मिड प्रोफेज के ड्यूरिंग क्या हुआ है जो ये दोनों एस्टर्स थे और भी ज्यादा एक दूसरे से दूर चले गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगा और जो क्रोमोजोम्स थे और भी ज्यादा कंडेंस होने लगे नेक्स्ट फेज जो है दैट इज द लेट प्रोफेज लेट प्रोफेज के ड्यूरिंग क्या होगा जो ये दोनों सेंट्रियोल्स है वो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाएंगे ऑपोजिट चले जाने की वजह से क्या हुआ ये जो है एस्टर्स है सो दीज आर द एस्टर्स तो इनके विचकार जो है माइक्रो टब्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरी तरह डिसअपियर हो गई है पहले मैंने देखो ब्लैक कलर में आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की थी ना न्यूक्लियर मेमब्रेन अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रह गई और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये येलो कलर के जो माइक्रोट्यूल्स बन रहे हैं इसको अब हम लोग माइक्रो टब्यूल्स ना बोल के स्पिंडल बोल देते हैं और इनके बीच में क्या होगा जो क्रोमोजोम्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे सेंटर से दूर चले जाएंगे तो मैं थोड़े क्रोमोजोम्स ड्रॉ कर रही हूँ तो बहुत सारे क्रोमोजोम्स होंगे यहाँ पे आई कुड ड्रॉ ओनली फोर क्योंकि स्क्रीन शॉट ही है तो इतने ही ड्रॉ कर पा रही हूँ सो दिस इज कॉल्ड द लेट प्रोफेज ठीक है लेट प्रोफेज में अब क्या हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह डिसअपियर हो गई जो न्यूक्लियोलस था वो पूरी तरह डिसअपियर हो गया क्रोमोजोम्स और भी ज़्यादा कंडेंस हो गए एस्टर्स जो बने थे वो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं और उनके बिचकार स्पिडल्स की फॉर्मेशन हो गई जो क्रोमोजोम्स थे उन्होंने सेंटर को छोड़ के अपने आप को इन स्पिंडल्स के ऊपर अरेंज कर लिया जैसे आप लोग थ्रेड ले के उसके बिचकार कुछ बांध दो फ्लावर्स को बांध दो बिल्कुल ऐसे ही इनकी अरेंजमेंट हो जाती है मैं आप लोगों को लिटिल बिट जो है नए बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ कि कैसे इनकी अरेंजमेंट होती है सो so, सपोज कि ये क्रोम जो है हमारे सेंट्रियोल्स हैं ये एस्टर्स बन गए सेंट्रियोल्स के एस्टर्स मतलब स्टार लाइक स्ट्रक्चर तो इनमें से ऐसे जो है स्पिंडल्स जो है ऐसे बाहर निकल रहे हैं स्पिंडल्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं स्पिंडल्स का यहाँ पे क्या काम है न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं और इस इनके स्पिंडल्स के साथ में क्या होगा स्पिंडल्स के साथ में यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इनके ऊपर जो है अरेंज कर लेंगे ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे जो कि फिर सेंटर वाला पोर्शन क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहा तो सेंटर वाला पोर्शन छोड़ के अपने आप को इन स्पिंडल्स के ऊपर अरेंज कर लेंगे समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रोफेज की स्टेप के नहीं yes, सो so, ऐसे जो है अब क्रोमोसोम्स ने अपने आप को इसके ऊपर अरेंज कर लिया तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे हाफ बीच में टूट जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे हाफ हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो इसमें अब क्या है कैसे ये हेल्पफुल है क्रोमोजोम्स का नंबर डबल हो जाएगा दो कॉपीज बन जाएंगी क्रोमोजोम्स की जो कि दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगी इक्वल अमाउंट में हाफ जो है ऊपर वाले पोल में चले जाएंगे हाफ जो है वो नीचे वाले पोल में चले जाएंगे अभी जो नेक्स्ट स्टेज है इसके साथ प्रो कंप्लीट हो गई नेक्स्ट जो हमारी फेज है जो सेकेंड फेज है दैट इज द मेटा फेज मैम कांजी मैम एक बार बिना ड्रॉ किए सारा जल्दी-जल्दी में बता दो कि क्या इसमें मतलब एक बार रिपीट कर दो मैम प्रो को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया प्रो को ओके सो ओवरऑल व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड साइड द प्रोफेज के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगी जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाएगा और उसके बीच में जो क्रोमाटिन थ्रेड्स है उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्रोमाटिन थ्रेड्स कंडेंस होकर क्रोमोजोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्रोमोजोम्स जो है वो पहले लंबे क्रोमोजोम्स बनेंगे फिर उनका साइज और छोटा होता जाएगा उनका नंबर डबल हो जाएगा ओके okay? तो फिर और क्या होगा जो आ, सेंट्रियोल्स हैं जो के टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेलीज है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है माइटोसिस में सेंट्रियोल्स क्या है सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर जाते हैं उनके बिचकार प्रोटीन प्रोटीन की माइक्रोट्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करो पिज्जा है होता है ना पिज्जा में बहुत सारी चीज हो अगर अगर आप पिज्जा के एक पीस को खींचो तो उसके बिचकार कैसे चीज की स्ट्रीक्स बन जाती हैं है ना सो so सेम उसी तरह जो है इसके केस में होता है कि जब दो सेंट्रियोल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके विचकार ऐसे स्ट्रिक्स बन जाती है ऐसे लंबी लंबी लाइंस बननी स्टार्ट हो जाती है जो कि प्रोटीन से बनी होती हैं जिनको हम लोग माइक्रोट्यूल्स बोल देते हैं तो एस्टर्स जो है वो टोटली एक दूसरे की ऑपोजिट पोल पर चले जाएंगे जब वो एकदम से ऑपोजिट पोल पर चले गए तो वहाँ पर क्या होगा उनके विचकार जो माइक्रोट्यूल्स बने हैं इस स्टेज पर आकर के हम उसको स्पिंडल्स बोल देते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया क्रोमोजोम्स अब जो थे वो क्या करेंगे अपने आप को इन स्पिंडल्स के साथ अटैच कर लेंगे इनके ऊपर अपने आप को अरेंज कर लेंगे तो जो स्पिंडल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या है ऊपर से नैरो होती है मिड में से ब्रॉड होती है तो जो नैरो नैरोस है उनको हम लोग पोल्स बोल देते हैं और जो मिड वाला ब्रॉड है उसको हम लोग इक्वेटर बोल देते हैं तो मिड प्रोफ मेटाफेज में क्या होता है जो क्रोमोजोम अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे ठीक है प्रोफेज जो है अर्ली प्रोफेज मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज थ्री स्टेजेस में है पहले ओवरऑल आप लोग समझ लो कि प्रोफेज में क्या हुआ है मैंने आप लोग को समझा दिया ओवरऑल उसके बाद यू कैन डिवाइड द स्टेप्स के अर्ली प्रोफेज में क्या होना है मिड प्रोफेज में क्या होना है और लेट प्रोफेज में क्या होना है लास्ट में ओवरऑल होना क्या है जो हमारे आ, आ, क्रोमोजोम्स रहेंगे वो अपने आप को इन स्पिडल के ऊपर अरेंज कर लेंगे जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे गलजाई बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि साइटोप्लाज

एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू के सेंट्रोल्स जो है ऑपोजिट पोल्स में हैं आप लोग चाहे इस डायरेक्शन इन डायरेक्शन में चाहे आप लोग मैंशन कर दो चाहे इन डायरेक्शन में मैंशन कर दो तो ऑल द स्ट्रक्चर विल बी फाइन तो इनमें से जो है स्पिंडल्स बाहर निकले हैं तो आई विल ड्रॉ द स्पिंडल्स फर्स्ट तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये मिड वाला पोर्शन है ब्रॉड है इसको इक्वेटर बोलते हैं इनको पोल्स बोल देते हैं हम लोग ये आप लोग को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि क्रोमोजोम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो इन पोल्स के ऊपर होगी या इस इक्वेटर के ऊपर होगी तो मेटाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा जो क्रोमोज़ोम्स है अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे सो ऐसे बिल्कुल इक्वेटर पे अब देखो पोल्स के ऊपर कोई भी क्रोमोसोम नहीं रहेगा सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर में रहेंगे बिल्कुल मिड में अपने आप को अरेंज कर लेंगे ऐसे ओके क्लियर बच्चों, यस yes, मैम सो so, जो दो। हमारे क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लिया तो इनके जो सेंट्रोमियर है जो ये मिड वाला है है जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, तो ये मिड वाला जो है इसको सेंट्रोमियर बोल सेंट्रोम एक्चुअली ये सेंट्रोमियर जो है ये सिस्टर क्रोमाटेड्स को एक साथ में ज्वाइन करके रखता है तो आर्म्स जो है अगर आप यहाँ पे देखो आर्म्स जो है दोनों तरफ से पोल्स की तरफ फेस किए हुए हैं और मिड में इनका सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम्स का वो प्रेजेंट है सो दिस इज द मैट